तिवारीपुर पुलिस ने लूट की घटना में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है तथा इसके पास से 10,200 रुपए नगद, एक मोबाइल सेट, आधार कार्ड बरामद किया है। गिरफ्तार युवक गोलू उर्फ इरफान तिवारीपुर थाना क्षेत्र के इलाही बाग का रहने वाला है। इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह सहवाण ने बताया। तिवारीपुर में लूट कब हुई थी? ये अभी 10 दिन पहले थाना तिवारीपुर में 18 जून को एक लूट हुई थी, जिसमें बाइक सवार दो बदमाशों के द्वारा एक लूट को अंजाम दिया गया था, जिसमें पर्स, मोबाइल फ़ोन और कुछ रुपए गए थे। इसकी CCTV फुटेज भी प्राप्त हुई थी। उसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें छानबीन की गई तो इसमें दो अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए, जिसमें पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम गोलू उर्फ इरफान है और इसका जो अन्य साथी है वो फरार है। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई है वो भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। साथ में जो ID कार्ड और मोबाइल फ़ोन जो लूट गए थे वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें ये पता चला है कि इनके द्वारा और भी लूट की घटनाएँ अन्य थाना क्षेत्रों में अंजाम दिया गया था, जिसमें 4 लूट की कुल घटनाएँ हैं जिनका अनावरण आज किया जा रहा है, जिसमें घटना से संबंधित जो पर्स, पैसे और मोबाइल फ़ोन या फिर जो ID कार्ड हैं वो बरामद हुए हैं और इसका जो अन्य साथी है, दूसरा साथी है गोलू, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा।